तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता लग चुका होगा थंबनेल देख करके कि आज के वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, क्या सॉल्व करने वाले हैं। आज के वीडियो में हम जो है एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए मैं जो है आप लोगों को क्वेश्चन समझा देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि शो दैट द लेंथ ऑफ एन एंडलेस चेन विच विल हैंग ओवर अ सर्कुलर पुली। देखिए, एक जो है हमारे पास क्या होगा, एन एंडलेस चेन विच विल हैंग ओवर अ सर्कुलर पुली। देखिए, एक सर्कुलर पुली होगा, ठीक है, सर्कुलर पुली होगा और एक एंडलेस चैन है। तो जो एंडलेस चैन होगा वो जो है सर्कुलर पुली के ऊपर से जो है हैंग करेगा। समझ में आ रहा है? ये बताया है, विच विल हैंग ओवर अ सर्कुलर पुली ऑफ रेडियस ए। जिस सर्कुलर पुली का रेडियस आपका क्या होगा, ए होगा, ठीक है, एज सो टू बी इन कॉन्टेक्ट विद 2/3 ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द पुली। तो हमें ये बताना है कि जो हमारे सर्कुलर पुली के ऊपर से जितने भी लेंथ हमारे जो है, जो चैन का जो जितना भी लेंथ हमारे हैं, वो हमें ये बता रखे इन्होंने कि जो है क्या होगा, 2/3 होगा किसका, उस पुली के सर्कमफ्रेंस के। ठीक, उस पुली के सर्कमफ्रेंस के। तो हमें जो है ये चीज़ शो करने हैं, जितना गिवन है इसी के हेल्प से जो है हम इसको शो करेंगे। सो चलिए देखते हैं कि इसका अब सॉल्यूशन हम कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, हमें जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ हमें यहाँ पर जो है क्या करना है, काम करने पड़ेंगे, है ना। जो कि एक आपका एंडलेस चेन दिया गया है और जो है आपके पास एक पुली दिया है जिसका रेडियस आपका क्या है, ए है। तो एंडलेस चेन जो है क्या है, उस पुली के ऊपर से हैंग करता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि कुछ हम यहाँ पर लिख लिया है हमने, और ये एक डायग्राम भी मैंने बनाया है, इसके हेल्प से आप लोगों को ये मैं समझा देता हूँ। लेट ए एन बी एम ए, देखिए ए एन बी एम ए कहाँ है, ए ये एन बी एम ए, बी द सर्कुलर पुली ऑफ रेडियस ए। तो हमने जो है ये कर लिया है, ए एन बी एम ए, ये जो है हमारा क्या है, एक सर्कुलर पुली है। आप लोगों को कैसे दिख रहा होगा, मैं यहां से जो है डॉट 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 करके लगाया, ये एम से जाने वाला जो है, ठीक है, ये आपका क्या है, सर्कुलर पुली है, ठीक, जिसका रेडियस हमारा क्या है, ये यहां से यहां तक उसका रेडियस हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। एंड ए एन बी सी ए द एंडलेस चेन हैंगिंग ओवर इट। देखिए, ए एन बी सी ए, ये जो है आपका क्या है, एक एंडलेस चेन। देखिए, एंडलेस चेन का मतलब क्या होता है, जिसका कोई एंड ही ना हो। चेन हमने जो है कैटेनरी में देखा था कि दो एंड पॉइंट था हमारा, जिसको हम हैंग कर रहे थे, तो हमारा जो है क्या बन रहा था, एक कैटेनरी का शेप बना रहा था। लेकिन यहां पर एंडलेस है, ठीक है, एंड बिल्कुल भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, वो कहीं ना कहीं सर्कुलर होगा या फिर जिसका बिल्कुल एंड नहीं है, आप ऐसे समझ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस एंडलेस चेन को इसके ऊपर से हैंग करवाएंगे, ठीक, इस सर्कुलर पुली के ऊपर से हैंग हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा। यहां पर एक ही बन गया है, तो इसीलिए जो है पता नहीं चल रहा है आप लोगों को। तो ये जो आपका चेन होगा, एंडलेस चेन, वो इस सर्कुलर पुली के ऊपर से हैंग करते हुए ऐसे लटकेगा, आए समझ। ये देखिए, यहां से नहीं गया है, ये तो सर्कुलर पुली है आपका, लेकिन ये यहां से हैंग कर रहा है, ये है ना, हैंगिंग ओवर इट। सो लेंथ ऑफ ए बी एन, देखिए ये चीज गिवन है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या गिवन है, सो एज टू बी इन कॉन्टेक्ट विद 2/3 ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द पुली। तो एक्चुअल में हो क्या जाएगा, देखिए लेंथ ऑफ द ए बी एन, देखिए ए बी एन यहां से यहां तक का जो ये लेंथ है ना, वो चीज आपका बता रखा है कि इसके सर्कमफ्रेंस का 2/3 होगा, ठीक, किसके सर्कमफ्रेंस का, इस पुली के सर्कमफ्रेंस का 2/3 होगा। तो मैंने लिख दिया है, सो लेंथ ऑफ ए बी एन इज इक्वल टू 2/3 सर्कमफ्रेंस ऑफ द पुली। तो 2/3, देखिए सर्कमफ्रेंस क्या होता है, किसी पुली का कोई भी एक सर्कल है, सर्कल का जो है सर्कमफ्रेंस क्या होगा, 2πr होता है। तो यहां पर r के प्लेस पर हमारा क्या है, a है, ठीक है, ए है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2πa हो जाएगा, इज इक्वल टू, देखिए अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 4/3πa आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आया है हमारा लेंथ, ए बी एन का जो लेंथ आया वो हमारा क्या आया, 4/3πa आया, ये ध्यान रखना, ए बी और एन ऐसे, ये इसका जो लेंथ आया हमारा वो आया 4πa, 4/3πa। लेट द रिमेनिंग ऑफ द चेन ऑफ द फॉर्म ऑफ कैटेनरी ए सी बी। देखिए, बाकी जो इस चेन का, ये चेन यहां तक तो हमने बात कर लिया है ए बी एन के लिए, ए बी एन जो है सर्कुलर पुली के ऊपर से जो है हैंग करता है, समझ में आ, ऊपर से हैंग करता है। बाकी इस एंडलेस चेन का कुछ पार्ट हमारे बचे हुए हैं, देखिए ये बी सी ए, ठीक है, बी सी ए। तो ये देखिए एक्चुअल में क्या बना रहा है, आपका एक कैटेनरी का शेप बना रहा है ना, कॉमन कैटेनरी का शेप बना रहा है। देखिए ये यहां से ये हैंग कर रहा है कि नहीं, ये दो, जिसके दो हमारे जो है क्या हो जाएंगे, देखिए एंड पॉइंट हो जाएगा। अगर देखा जाए तो,
वैसे तो चेन एंडलेस है, लेकिन अगर हम यहां से यहां तक बात नहीं करेंगे, हम जो है यहां से यहां तक की बात करेंगे। ये यहां से ये देखिए, एक आपका क्या बना रहा है, कैटेनरी का शेप बना रहा है। तो मैंने यहां पर वही चीज लिखा है, लेट द रिमेनिंग ऑफ द चेन ऑफ द फॉर्म ऑफ कैटेनरी ए सी बी, ये ए सी बी ठीक, विद ए बी हॉरिजेंटल। देखिए इसका हॉरिजेंटल हमारा क्या है, ए बी हुए कि नहीं, ये इसका हॉरिजेंटल हुए। सी इज द वर्टेक्स, देखिए सी जो है हमारा क्या है, एक वर्टेक्स है इसका। वर्टेक्स मतलब लोएस्ट पॉइंट जिसको हम बोलते हैं, ये ध्यान रखना लोएस्ट पॉइंट हमारा क्या होता है। तो अगर ये कैटेनरी का शेप बना रहा है तो इसका लोएस्ट पॉइंट ही हो जाएगा, तो ये इसका वर्टेक्स हो गया। ठीक, वर्टेक्स हो गया। और देखिए सी ओ डैश एन इज द एक्सिस, सी ये है सी ओ डैश और ये एन, ये वाला जो है इसका क्या हो जाएगा, इस कैटेनरी के लिए जो है हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा होगा एक्सिस हो जाएगा। एंड ओ एक्स इज द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ कैटेनरी, और ओ एक्स देखिए कहाँ है, ये ओ एक्स ये आपका डायरेक्ट्रिक्स है। गाइस मैंने जो है सारा डेफिनेशन आप लोगों को बता रखा है कि डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, एक्सिस क्या होता है, पैरामीटर क्या होता है, इन सब का डेफिनेशन मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, और जो है इसका वीडियो ऑलरेडी मैंने बना रखा है, तो आप लोग चाहे तो उसको देख सकते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। आगे देखिए, लेट ओ सी इज इक्वल टू सी, ठीक ओ सी जो है हमारा क्या है, ये यहां से यहां तक जो है हमने मान लिया कि वो क्या है आपका सी है, ओ सी इज इक्वल टू सी पैरामीटर ऑफ कैटेनरी। तो हमने देखा था कि जो सी होता है ना, इससे नीचे वाला जो पॉइंट होता है, तो वो हमारा जो है इस वर्टेक्स से, देखिए इसका यहां से इससे इसके नीचे वाला जो पॉइंट होता है वो हमारा ओ सी, तो ओ सी जो है हमने मान लिया कि सी है, और यही जो है इसका क्या होता है, पैरामीटर होता है। अब देखिए द टेंजेंट एट ए, देखिए ये टेंजेंट है हमारा ए के लिए, टेंजेंट हम हिंदी में इसको बोलते हैं स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा मतलब जो स्पर्श करती हुई जाती है, जो छूती हुई जाती है, आया समझ में। तो जैसे ये मेरा सर्कमफेरेंस है, तो यहाँ से छूती हुई जा रही है, तो ये जो है इसका क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा। तो वैसे यहाँ पर जो है एक लाइन में ले लिया, वो आपका क्या है, टेंजेंट है। द टेंजेंट एट ए विल बी द परपेंडिकुलर टू द रेडियस ओ डैश ए। देखिए हमने जो है ये चीज हम लोगों ने जब टेंथ में हम जब पढ़ते थे, तो उस टाइम हम लोगों ने एक इसका थ्योरम भी प्रूफ किया था। थ्योरम हमने प्रूफ क्या किया था कि अगर कोई सर्कल है, उस सर्कल से एक टेंजेंट जाता है, तो उसके रेडियस के वो क्या हो जाते हैं, परपेंडिकुलर हो जाते हैं। सो मैंने कुछ नहीं किया यहाँ पर, सिर्फ वही थ्योरम का यूज किया है और यहाँ पर लिख दिया है, द टेंजेंट एट ए विल बी द परपेंडिकुलर टू द रेडियस ओ डैश ए। ये टेंजेंट है ए और ये ओ डैश है, इसका क्या हो जाएगा, एक परपेंडिकुलर हो जाएगा। सो गाइस देखते हैं आगे का इसका प्रोसेस हम कैसे कर सकते हैं। यहां तक हमने देख लिया था कि ये जो हमारा टेंजेंट है इस ए से ओ तक ये हमारा जो है क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर अगर है तो हम क्या बता सकते, देयरफॉर इफ द टेंजेंट एट ए इज इंक्लाइंड एट एन एंगल शाई ए टू द हॉरिजेंटल। देखिए ये जो है इंक्लाइंड है ना, इस ये जो टेंजेंट है इस शाई ए एंगल पर अगर इंक्लाइंड है, किसके लिए, इस टेंजेंट के, इस हॉरिजेंटल के लिए, आया समझ, इस हॉरिजेंटल के लिए। तो यहां से देखिए ये इंक्लाइंड है, ये जो टेंजेंट है वो इंक्लाइंड है किस एंगल पर, शाई ए एंगल पर जो है आपका क्या है, इंक्लाइंड है। तो मैंने यहां पर वही लिख दिया है टू द हॉरिजेंट, देन शाई ए, तो ये जो शाई ए एंगल होगा, ये एंगल हमारा कितना होगा, अब इसका देखिए काउंट करते हैं। देखिए एंगल ए ओ डैश डी, ए ओ डैश डी देखिए कहां पर है, ए ओ डैश डी, ये जो एंगल हमारा है, ये वाला जो एंगल है वो देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, हाफ एंगल ए ओ डैश बी। देखिए हाफ एंगल ये ए ओ डैश बी, ये पूरे का क्या है, ये आधा ही तो है, तो हमने यहां पर वही लिख दिया है। अब देखिए ये ए ओ डैश बी, देखिए यहां वाला कितना हो जाएगा, ये 120 डिग्री होता है, आप लोग ध्यान रखना है, ये 120 डिग्री होता है। सो यहाँ पर हमने देखिए क्या कर दिया है, 2 पाई अपॉन हमने यहाँ पर कर दिया है 3, तो यहाँ पर जो है 2 पाई अपॉन 3, एक्चुअल में 2 पाई अपॉन 3 का वैल्यू एक्चुअल कितना हो जाएगा, अगर देखा जाए तो डिग्री में 2 पाई का वैल्यू होता है 180 और अपॉन में आ जाएगा 3, तो ये 6 और 120, हाँ तो ये हमारा एक्चुअल में जो है 120 डिग्री होता है यहाँ का, ध्यान रखना ये चीज। तो ये जो है आधा हो जाएगा इसका। अब देखिए यहां से जब ये कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा एक्चुअल में ये जो शाई एंगल आ रहा है ना, वो एक्चुअल में हमारा देखिए पाई अपॉन थ्री आ रहा है, ठीक है, शाई एंगल जो है हमारा पाई अपॉन थ्री आ गया फ्रॉम ट्राइंगल ए ओ डैश डी। देखिए ए ओ डैश डी इस वाले ट्राइंगल की हम बात करेंगे, यहां से ये ए ओ डैश डी ये वाले ट्राइंगल में हम बात करेंगे, तो क्या आएगा, देखिए डी ए, ये जो डी ए है वो क्या हो जाएगा, ओ डैश ए साइन शाई हो जाएगा। कैसे, अगर ये एंगल है हमारा,
ये वाला, अगर ये हमारा एंगल है तो ये हमारा जो है क्या हो जाए परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस, तो हम साइन का रिलेशन निकाल सकते हैं, यहाँ से इजिली निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा डी ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखिए ये हमारा क्या है डी ए जो है हमारे परपेंडिकुलर हुआ और ये जो है हमारे हाइपोटेनियस हुआ, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस इक्वल टू होता है साइन पाई, तो यहाँ पर डायरेक्ट मैंने कर दिया, तो साइन पाई बाई थ्री एंगल हमारे ये शाई ए है वो क्या है पाई बाई थ्री। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या कर दिया, ये इसका वैल्यू ओ डैश ए, ये हमारे क्या है रेडियस, ये गिवन है, ये देखिए क्वेश्चन में गिवन है पुली ऑफ द रेडियस ए, तो यहाँ से ये देखिए इसका सर्कमफ्रेंस है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो क्या हो जाएगा ए हो जाएगी, ठीक। तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया है, इसका वैल्यू आपका होगा ए, और साइन पाई बाई थ्री का वैल्यू आप लोगों को पता होगा रूट थ्री बाई टू होता है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो हमें क्या मिल गया, ये जो डी ए है डी ए का हमें एक वैल्यू मिल गया, क्या मिला हमें डी ए का वैल्यू ए रूट थ्री बाई टू मिल गया। चलिए आगे देखते हैं, अब हमें देखिए एक रिलेशन हमने यहाँ पर पढ़ा था एक्स और शाई में, एक रिलेशन हमने पढ़ा था, ठीक है, एक्स और शाई में रिलेशन पढ़ा था। तो यहाँ पर एक्स और शाई में क्या रिलेशन था, एक्स इज इक्वल टू सी लॉग टेन शाई प्लस सेक शाई फ्रॉम द पॉइंट ए, देखिए इस ए पॉइंट से, फ्रॉम द पॉइंट ए, इस ए पॉइंट से जो है हम इस चीज को लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू, ये एक्स हो जाएगा हमारा, समझ में आ। तो यहाँ पर देखिए डी ए जो है हमारा किसके बराबर हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा, यहाँ समझ लीजिए डी ए हमारा क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, इसके लिए एक्स इज इक्वल टू सी लॉग टेन साई प्लस एक्स आई फ्रॉम द पॉइंट ए, इस पॉइंट से ये यहाँ से, क्योंकि हमने देखा था इसका जो सैग हम काउंट करते हैं, तो यहाँ पर हमारा एक्स होता है, यहाँ पर हमारा एक्स होता है, ठीक है। तो ये एक्स है हमारा, ये समझ लीजिए मैंने रिलेशन जो बताया था और कुछ डेफिनेशन भी मैंने बताया था, सारे का लिंक मैं वीडियो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग देख सकते हैं, और यहाँ आई टैब पर क्लिक करके भी आप लोग देख सकते हैं। सो यहाँ से डी ए इज इक्वल टू हमें क्या मिल गया एक्स, ये मिल गया। अब देखिए ये जो डी ए है डी ए का वैल्यू हमें यहाँ से पता है, देखिए क्या ए रूट थ्री बाई टू, तो ए रूट थ्री बाई टू रख दिया, और यहाँ पर सी लॉग, अब देखिए ये साई ए का वैल्यू हमारे पास कितना है पाई बाई थ्री है, तो हमने यहाँ पर रख दिया प्लस सेक पाई बाई थ्री। अब सबका वैल्यू रख देंगे तो सी लॉग इसका वैल्यू हमारा होता है रूट थ्री और इसका वैल्यू हमारा होता है टू, आप लोग देख लीजिएगा कैलकुलेट करके। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको अपॉन में ले आएंगे तो सी का वैल्यू निकल जाएगा, तो सी इज इक्वल टू मिल जाएगा ए रूट थ्री बाई टू लॉग रूट थ्री प्लस टू। थोड़ा सा सॉल्यूशन और भी बचा है, देखिए कुछ कुछ आने लगा है हमारा, देखिए ये पार्ट हमारे यहाँ तक आ चुका है थोड़ा बहुत, अभी इसको और भी सॉल्व करेंगे। तो देखिए फर्दर क्या प्रोसेस होगा इसका, अब देखिए हमने एक जो है इंट्रिंसिक इक्वेशन के बारे में पढ़ा था, इंट्रिंसिक इक्वेशन हमारा क्या था, उसमें हमारा था h इज इक्वल्स टू सी टेन शाई, है ना, h इज इक्वल्स टू सी टेन शाई के बारे में हमने पढ़ा था। सो यहाँ पर अप्लाइड फॉर पॉइंट ए, देखिए इस ए पॉइंट के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक। तो ए पॉइंट के लिए इक्लाइंड एंगल हमारा क्या है शाई ए है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए आर्क इज इक्वल्स टू सी ए, देखिए आर्क सी ए, ये जो आर्क है हमारा यहाँ से यहाँ तक का, ये हमारा क्या है सी ए है, ठीक, ये सी ए है, तो ये सी ए क्या हो जाएगा सी टेन शाई ए हो जाएगा, ठीक। इज इक्वल्स टू सी टेन शाई ए का वैल्यू कितना, देखिए पाई बाई थ्री है, तो हमने रख दिया है, और देखिए यहाँ पर टेन पाई बाई थ्री का वैल्यू हमारा क्या होता है रूट थ्री होता है, तो सी रूट थ्री आ गया यहाँ पर। अब देखिए हमें ये जो सी ए है आर्क सी ए, आर्क सी ए, ये हमारा क्या हो जाएगा रूट थ्री ऑलरेडी है, और सी का वैल्यू हमने इसके प्रीवियस में देखा था, वो क्या था, ये था हमारा सी का वैल्यू ए रूट थ्री अपॉन टू लॉग टू प्लस रूट थ्री इज इक्वल टू, यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए रूट थ्री इंटू रूट थ्री मल्टीप्लाई करेंगे थ्री आ जाएगा, इंटू ए हमारा ऑलरेडी और अपॉन में टू लॉग टू प्लस रूट थ्री ये आ जाएगा। अब देखिए काउंट हमें क्या करना है, अब टोटल, अब देखिए आर्क हमें मिल गया है, आया समझ में, ये चीज ये आर्क हमें मिल गया है, तो ये आर्क मिल गया है और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ हमें मिल गया है, तो हम इस चेन का पूरे का लेंथ हम निकाल सकते हैं, यही तो बताया था शो दैट द लेंथ ऑफ एन एंडलेस चेन, ये एंडलेस चेन का जो है हमें लेंथ शो करने थे इस क्वेश्चन में, आया समझ में। तो इसका पूरा लेंथ देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा लेंथ जो कि इसके ऊपर ऊपर से है ना, इसके ऊपर से है, और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ अगर हम इसको ऐड कर देंगे तो देखिए मिल जाएगा, तो यहाँ पर वही किया हमने, हेंस द टोटल लेंथ ऑफ द चेन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आर्क ए सी बी, ये पूरा आर्क हो जाएगा, हमने यहाँ तक का निकाला कोई दिक्कत नहीं, अब दो से मल्टीप्लाई करेंगे पूरा निकल जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक का जो आर्क हो जाएगा प्लस लेंथ ऑफ चेन ए एन बी, देखिए ए एन बी ये पूरे का चेन, हमने ये भी पहले स्टार्टिंग में निकाल रखे थे जो ये रिलेशन दिया हुआ था वन थर्ड ऑफ द सर्कमफ्रेंस, ठीक, तो इसी से निकाला था हमने। तो यहां से देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा ए सी बी जो है टू आर्क ऑफ सी ए, है ना, ये टू आर्क ऑफ सी ए कर देंगे तो ये पूरा निकल जाएगा हमारा, तो मैंने वही किया प्लस लेंथ ऑफ चेन
यहाँ से देखिए ए एन बी का हमने ये निकाल रखा था, तो 4/3 πa हमारा आ रखा था, तो हमने वही कर दिया। अब देखिए इसका क्या हो जाए, 2 × 2, और इसका हमने ये जो निकाल रखा है हमने यहाँ पर रख दिया है 3a/2 log 2+√3 प्लस 4/3 πa। अब देखिए यहाँ से क्या कर रहे हैं, यहाँ पर भी a है और ये a उठा करके हम क्या कर लेंगे, बाहर कॉमन लेंगे, तो ब्रैकेट में हमारा क्या आ जाएगा, देखिए ये 2 से 2 भी हमारा कैंसिल आउट हो रहा है, 3 log 3/log 2 प्लस यहाँ पर जो है आपका 4π/3 आ जाएगा। ठीक है, तो यही चीज देखिए हमारा प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ्ड। तो ये आपका जो है क्या आ जाएगा, ये जो आपका एंडलेस चेन है उसका एक लेंथ आ जाएगा। सो गाइज होप कि आप लोगों को ये वीडियो पूरी तरह से समझ में आया, ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो गया। फिर भी अगर आप लोगों को कहीं पर डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आप लोगों को पूरा हेल्प करूंगा। इस क्वेश्चन को एज अ होम असाइनमेंट के तौर पर आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करिए, अगर नहीं होता है तो मुझे कमेंट करके बताएं, तो मैं आप लोगों को जो है इसका एक अलग सेपरेट वीडियो बना करके सॉल्व करके बता दूंगा। सो गाइज आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर मुझे बताएं कमेंट करके, और कहीं पर डाउट है तो वो भी मुझे शेयर करें मेरे साथ, बताएं कहां पर डाउट है, तो मैं आप लोगों को होप कि थोड़ा हेल्प कर सकूं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।